आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी मेडिसिन है, अगर किसी पर्सन में गाउटी एंड रूमेटिक कंप्लेन देखने को मिल रहा है, मतलब जोड़ों का दर्द देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो हमारा अंगूठा होता है उसका इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, जब आप देखते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो आप इस मेडिसिन के बारे में सोचेंगे। और उसके साथ कोई भी कंप्लेन्स हो, यहाँ पे आपको यूरिनरी कंप्लेन्स एसोसिएटेड देखने को मिलेंगे, मतलब यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिले, तो आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका कॉमन नेम है बर्बेरी, इसकी फैमिली है बर्बेरिडेसी। अगर आप बर्बेरिडेसी फैमिली की बात कर रहे हैं तो आपको दो मेडिसिन और पता होनी चाहिए, जैसे कोलोफाइलम हो गई एंड पोडोफाइलम। तो आप याद रखिएगा, ये दोनों मेडिसिन भी हमारी बर्बेरिडेसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो बर्बेरिस वल्गेरिस की जब भी आप बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, चाहे वो हमारे किडनी का स्टोन हो या फिर हमारे गॉल ब्लैडर का स्टोन हो। ठीक है, अगर किसी पर्सन में गॉल स्टोन हो, उसकी वजह से कोलिक हो रहा हो, मतलब पेट का दर्द गॉल स्टोन की वजह से देखने को मिल रहा है, तब आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर किसी पर्सन के गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होगा तो कहीं ना कहीं बाइल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बिलियस कोलिक देखने को तो मिल ही रहा था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें जॉन्डिस देखने को मिलता है। जॉन्डिस होगा तो मतलब हमारी बॉडी येलो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, स्टूल क्ले कलर का देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, पर्सन में रीनल कोलिक भी देखने को मिलता है, मतलब क्या हो गया, किडनी स्टोन की वजह से कहीं ना कहीं दर्द देखने को मिलता है। उसके साथ क्या है, बाइल बढ़ा हुआ है तो पर्सन में इचिंग देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा इचिंग अगर किसी पर्सन में हो रही हो तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोचेंगे, और हिस्ट्री हो जॉन्डिस होने की, गॉल स्टोन होने की या किडनी स्टोन होने की, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर किसी पर्सन में फिस्चुला हो जाए, एनल रीजन में क्या हो गया, फिस्चुला देखने को मिल रहा हो, और फिस्चुला का ऑपरेशन हो गया हो, उसके बाद अगर चेस्ट कंप्लेन अराइज हो रहा हो, मतलब क्या था, पर्सन एकदम हेल्दी था लेकिन वो आपको बताता है कि मुझे फिस्चुला था, उसका मैंने सर्जरी कराया, उसके बाद से मुझे चेस्ट कंप्लेन हो रहा है, शॉर्ट कफ आ रहा है या तो मुझे खांसी बनी ही रहती है, तब भी आप बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहीं पे आप कंपेयर कर सकते हैं कैल्केरिया फॉस से। अगर किसी पर्सन में फिस्चुला इन एनस अल्टरनेट करता है चेस्ट सिम्टम के साथ, मतलब क्या हो गया, कभी उसको चेस्ट के कंप्लेन बने रहते हैं या तो कभी कभी फिस्चुला देखने को मिलता है एनस में, ये अल्टरनेशन में चलते रहते हैं, कुछ एक चीज अगर पर्सन में हमेशा प्रेजेंट रहती है तो आप कैल्केरिया फॉस या साइलिसिया के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैल्केरिया फॉस और साइलिसिया को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कैल्केरिया फॉस का जो पर्सन होगा उसमें एनिमल हीट की कमी होगी, मतलब क्या हो गया, पर्सन हमेशा चिली होगा और बहुत इजिली ठंड से अफेक्टेड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई पर्सन है उसको लेफ्ट साइड के किडनी में स्टोन हो गया है और उसका जो पेन है ना, लेफ्ट किडनी से स्टार्ट होकर यूरेटर में जाता है, फिर हमारी यूरिनरी ब्लैडर में आता है, उसके बाद यूरेथ्रा में आता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, मतलब डिसेंडिंग नेचर का अगर पेन देखने को मिल रहा है, तब भी आप बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में सोच सकते हैं। और यहीं अगर लेफ्ट किडनी में किसी को पेन है तो आप टबैकम के बारे में भी सोच सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और वहीं अगर किसी पर्सन को राइट साइड की किडनी में अफेक्शन देखने को मिल रहा है, राइट किडनी में प्रॉब्लम है, राइट किडनी में स्टोन है, तो आप सार्सोप्रिल्ला के बारे में सोच सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और वहीं अगर दोनों किडनी में पेन है, दोनों किडनी में स्टोन देखने को मिल रहा है, यूरेटर में बहुत ज्यादा दर्द बना हुआ है, तो आप कैंथेरिस के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ऐसा होता है बर्बेरिस वल्गेरिस का, एकदम स्टिच हो रही है कुछ, जैसे खिंच रही हो, जैसे किसी चीज को काटा जा रहा हो, कटिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है, और एग्रावेशन हो जाता है लेफ्ट साइड से। अगर लेफ्ट साइड में पर्सन आराम करने लगे तो इसमें कहीं ना कहीं तकलीफ देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके, तो हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइल बढ़ा हुआ है, तो बाइल बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से इसके यूरिन का भी जो कलर होता है वो ग्रीनिश कलर का देखने को मिलता है, कई बार ब्लड रेड सेगमेंट देखने को मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें स्टोन का प्रेजेंटेशन है, कई बार जेली लाइक सेगमेंट देखने को मिलता है, कई बार यूरिन ट्रांसपेरेंट कलर का देखने को मिलता है। अगर ऐसा यूरिन का प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा हो तब भी आप बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको बबलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है किडनी में, तब भी आप सोच सकते हैं बर्बेरिस वल्गेरिस को, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देगा। पर्सन मूवमेंट करता है तो इसमें कहीं ना कहीं यूरिन्स कंप्लेन में एग्रावेशन देखने को मिलता है, मतलब तकलीफ जो है इसकी बढ़ जाती है।
इसके बैक की बात करते हैं तो इसमें जो होता है ना स्मॉल ऑफ बैक में पेन देखने को मिलता है, एक छोटे से एरिया में पेन देखने को मिलता है। स्पेशली हमारा जो फ्लैंक रीजन होता है रीनल, जहां पे सिचुएटेड है हमारी रीन किडनी जहां पे है, वहां पे अगर दर्द बना हुआ है, बहुत ज्यादा सोर लेम ब्रूस्ट फीलिंग, ऐसा एकदम ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा दर्द बना ही हुआ है, जैसे चोट लगने पे दर्द रहता है, अगर ऐसा पेन बना रहता है किसी पर्सन को रीनल रीजन में लंबर रीजन में, तब भी आप बर्बेरी सोलगेरिस के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हम इसके जनरल एग्रावेशन की बात करते हैं, मोशन से, वॉकिंग से, कैरिज राइडिंग से कहीं ना कहीं इसमें एग्रावेशन देखने को मिलता है। आप इसका यूज कैसे करेंगे? तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं तो आप इसका मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। मदर टिंचर आप WSI का ले सकते हैं, SBL का ले सकते हैं। 10 बूंद दवा की आधे कप पानी में लेना है, 3 बार लेना है, 15 मिनट आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं लेना। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया, इसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं Dr.PrimbatiYadav। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी एंड आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।